माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की पहल की गई है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कई अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा में सफल बनाना है। इस पहल का सबसे मुख्य बिंदु है बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी कक्षाओं में शैक्षिक और विद्या विशेष सुधार लाना। शिक्षा में सुधार लाने के इस दृढ़ निश्चय और प्रण को पूरा करने के लिए शिक्षकों के लिए नई शैक्षिक सामग्री दी जा रही है। इसे समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और उपयुक्त स्थान पर वीडियो रोककर इस सत्र में दी जाने वाली शिक्षक डायरी में नोट्स भी बनाएं। ये शैक्षिक डायरी व्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य को करने और योजनाएं बनाने के लिए दी जा रही है। इसको सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षाओं के अंदर पारंपरिक तौर से कक्षा संचालन पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तिकाओं से किया जाता है। पूरे प्रदेश में भाषा और गणित पढ़ाने के लिए भी ये एक प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली है। इस वर्ष भी हम कक्षा में पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं की सहायता लेंगे। साथ ही इस सत्र में हमें हमारी कक्षाओं की दीवारों पर मिशन प्रेरणा की नई छाप भी दिखेगी। मिशन प्रेरणा के उद्देश्य को हर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए विद्यालय में सबसे पहले चस्पा किया जा रहा है प्रेरणा लक्ष्य। मार्च 2022 तक हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। ये हमें भाषा और गणित के कई मानकों को साझा कर हमारे विद्यालय के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कक्षा की दीवारों पर प्रेरणा सूची भी चस्पा होगी। प्रेरणा सूची से हमें कक्षा अनुसार भाषा और गणित से संबंधित 14 से 16 दक्षताएं बताएंगे, जिसे हासिल कर बच्चे बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इन दक्षताओं को SCERT द्वारा दी गई दक्षताओं के आधार पर बनाया गया है। इस पर हमारे स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट भी कराए जाएंगे। इन्हीं स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट के परिणाम रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के साथ भी साझा किए जाएंगे। सूची में दी गई दक्षताओं का आकलन हम प्रेरणा तालिका के माध्यम से करेंगे। दी गई दक्षता के सापेक्ष हम अपनी कक्षा के बच्चों के नाम अंकित करेंगे। जिस दिन बच्चे एक दक्षता प्राप्त कर लेंगे, हम उनके नाम के आगे उस दिन की दिनांक अंकित कर लेंगे। अगर आपकी कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप इस तालिका के 2 पृष्ठ लगाएंगे। आपको 3 हस्तपुस्तिकाएं भी दी जा रही हैं, शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण और आधारशिला। इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है। शैक्षिक तकनीक में बढ़ोतरी करने के लिए जरूरी गतिविधियों को इस शिक्षण संग्रह के माध्यम से आपसे साझा किया गया है। इससे आप कक्षा का बेहतर संचालन करने और दक्षता से पढ़ाने के गुण सीख पाएंगे। इसी कड़ी में अगली पुस्तक है ध्यानाकर्षण। इस पुस्तिका में दी गई 18 तकनीकों के माध्यम से हम उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित गुणों को सीख सकते हैं। हमारी तीसरी पुस्तक आधारशिला है, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि बुनियादी शिक्षा क्या है और दक्षताओं से पढ़ाने के क्या मायने हैं। साथ ही बुनियादी शिक्षा कक्षा में पढ़ाने के लिए जरूरी है जैसी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका और 3 हस्त पुस्तिकाओं के अलावा कुछ और TLM यानी टीचर्स लर्निंग मटेरियल भी विभाग के द्वारा आपसे साझा किया जा रहा है। सबसे पहले हम हमारी कक्षाओं को प्रिंट रिच समृद्ध कक्षाओं में बदलेंगे। इस संबंध में आपको कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा और गणित से संबंधित पोस्टर्स और चार्ट्स दिए जाएंगे। इस प्रिंट रिच सामग्री में से कुछ सामग्री आप कक्षा की दीवारों पर चस्पा करेंगे और कुछ सामग्री से बच्चों के साथ खेल और गतिविधियां करेंगे, जैसे दंगल के चित्र पर राजू 2 पंक्ति बोले या गिनती कार्ड को देखकर रिंकी गिनती बोले। ऐसी अभिनव गतिविधियों से हमें अपनी कक्षा को उज्ज्वलित करना है। दिए गए चार्ट बच्चों के परिवेश और वातावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
जिससे ये बच्चे इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य पुस्तिकाओं की। गणित में एक कार्य पुस्तिका दी गई है और हिंदी में दो। हिंदी में दी गई पहली कार्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तक से संबंधित गतिविधियां और वर्कशीट के रूप में कार्य दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में कक्षा 1 से 3 में पढ़ाने के लिए सहज नाम की एक पुस्तिका दी जाएगी। इस पुस्तक में कक्षा अनुसार कई प्रकार की रोचक कहानियां और कविताएं भी हैं, जिसे कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त डिकोडिंग से संबंधित भी कुछ अन्य सामग्री सहज में दी गई है। बुनियादी शिक्षा का एक अहम पहलू है बच्चे को खेल खेल में अवधारणाएं सिखाना। इसे ध्यान में रखते हुए बुनियादी शिक्षा से संबंधित गणितीय अवधारणाओं को बनाने के लिए हर विद्यालय में एक गणित किट प्रदान की जा रही है। करेंसी यानी नोट से पैसे की समझ, लकड़ी से बने ठोस आकारों से वर्ग और आयत की पहचान जैसी गतिविधियों से हम बच्चों को गणित का ज्ञान दे पाएंगे। ये सभी सामग्री बुनियादी शिक्षा के मानकों पर आधारित है और भाषा और गणित के ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करती है। ये सभी सामग्री बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसे एक सूत्र में बांधकर कक्षा में व्यवस्थित रूप से उपयोग करना। इसके लिए शिक्षकों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्रदान की जाएगी। ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आधारशिला हस्तपुस्तिका को रोज की शैक्षिक दिनचर्या में ढालने का जरिया है, जहां आधारशिला आपको बुनियादी शिक्षा के मायनों से अवगत कराती है, वहीं क्रियान्वयन संदर्शिका आपको इन मायनों को कक्षा में लागू करना बताती है। ये पुस्तिका कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा और गणित के लिए दी जाएगी। इस प्रकार हर विद्यालय में कुल मिलाकर 6 संदर्शिकाएं जाएंगी। इस पुस्तिका के अंदर कक्षा के प्रभावशाली संचालन के लिए वार्षिक और दैनिक कार्य योजनाएं भी दी गई हैं। इसके अंदर प्रतिदिन होने वाली सभी गतिविधियों को किस अवधि के लिए करना है, इसका विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, प्रिंट रिच सामग्री, सहज और गणित किट को किस प्रकार से और किस दक्षता को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें, इन सभी का उल्लेख इस संदर्शिका में विस्तार पूर्वक किया गया है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इन सब के अलावा उन्हें एक अच्छा साहित्यिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल में रीडिंग कॉर्नर के साथ साथ NCERT के पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी भी तैयार की जा रही है। इस नई शैक्षिक विधि को कक्षा में लागू करने के लिए ARP यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन शिक्षकों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। ये पर्यवेक्षण चेकलिस्ट के अनुसार किया जाएगा और इससे संबंधित फीडबैक डेटा को प्रेरणा पोर्टल में डैशबोर्ड के रूप में दिखाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के कौशल विकास के लिए दीक्षा ऐप के द्वारा भी प्रशिक्षण किया जा रहा है और इसके कोर्सेज भी आपसे साझा किए जा रहे हैं। इन्हें पूरा करें और अपनी शिक्षण विधि और समझ में वृद्धि लाएं। इन कोर्सेज को पूरा करने पर आपको प्रमाणित भी किया जाएगा। शिक्षकों का समय सही रूप से शैक्षिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी विभाग के द्वारा कई पहल की जा रही है, जैसे कि विद्यालयों में भरी जाने वाली लगभग 30 से 35 पंचिकाओं को कम करके 15 पंचिकाओं में समाहित किया जा रहा है। इन सुधारों को दिव्यांग बच्चों और आउट ऑफ स्कूल बच्चों तक भी पहुंचाया जाएगा, जिससे वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे इन सभी सुधारों के द्वारा हमारा उत्तर प्रदेश आज एक प्रेरक प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।